राजस्थान की राजनीति में एक नाम की एंट्री तेजी से हो रही है। नाम है ओवैसी, जो मोर्चा खोलने वाले हैं और पूरे सियासी चौपाल पर ये चर्चा हो रही है कि ओवैसी आएंगे किसका खेल बिगाड़ेंगे। चलिए आज हम आपको ओवैसी की जिंदगी का सियासी सफरनामा बताते हैं। दरअसल ओवैसी को भारत में रहने वाले मुसलमानों के हितों की बात करने के लिए देश भर में जाना जाता है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं। ओवैसी की पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM है और ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष हैं। ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद में हुआ। पिता का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, माँ का नाम नजमुन्निसा बेगम है। पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की मृत्यु 2008 में हो चुकी है। ओवैसी का निकाह 11 दिसंबर 1996 को फरहीन ओवैसी से हुआ था। ओवैसी के 6 बच्चे हैं, एक बेटा है और 5 बेटियां हैं। बेटे का नाम सुल्तानुद्दीन ओवैसी है। बेटियों के नाम खुदसिया ओवैसी, यास्मीन ओवैसी, अमीना ओवैसी, महीन ओवैसी और अतिका ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी का एक छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी है और राजनीति में सक्रिय है। असदुद्दीन ओवैसी ने उस्मानिया विश्वविद्यालय के निजाम कॉलेज से कला में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। बाद में असदुद्दीन ओवैसी ने लंदन लिंकस इन से LLB की डिग्री ली, लेकिन 2004 में ओवैसी का सियासी सफर शुरू हुआ। इसके बाद ओवैसी ने अपनी पार्टी को तेजी से आगे बढ़ाया। चलिए आपको ओवैसी का सियासी सफर बताते हैं। ओवैसी ने पहली बार साल 2004 में हैदराबाद से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। अब तक वे लगातार 4 बार सांसद चुने जा चुके हैं। पार्टी की कमान असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में आई तो ओवैसी ने सबसे पहले पार्टी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाने पर ध्यान दिया। असदुद्दीन ओवैसी को इसमें धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। कुछ ही सालों में उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो गई। ओवैसी के बयान राष्ट्रीय मीडिया की कवर स्टोरी बनने लगे, पार्टी की पहुंच बढ़ी और वो आंध्र प्रदेश से निकलकर हिंदी प्रदेश तक फैलने लगे। परिणाम ये हुआ कि AIMIM का बिहार जैसे हिंदी प्रदेश की विधानसभा में भी सीट मिल गई। इस तरह ओवैसी की पार्टी दूर प्रदेश होने के बावजूद बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में फैलने लगी और आज भी असदुद्दीन ओवैसी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इन राज्यों में सक्रिय हैं। असदुद्दीन ओवैसी की कार्यपार्टी के लिए उपलब्धि कही जाएगी कि साल 2004 के बाद में AIMIM संभालने के बाद वे इसकी पहुंच राष्ट्रीय स्तर में बनाने में सफल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को संसद के 15वें सत्र में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए वर्ष 2014 का संसद रत्न पुरस्कार से सम्मान मिला। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली मुसलमानों में शामिल हैं।